हाय गाइस, जय हनुमान। जहां एक और अभी जेईमेन को लेकर के बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, एग्ज़ाम की जो डेट्स हैं उसकी अनसर्टेनिटी को लेकर के, एग्ज़ाम की डेट अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से फाइनल नहीं हुई है, जेईमेन और जेई एडवांस की डेटों को लेकर के लगातार बच्चों में एंग्जाइटी बनी हुई है, और उस बीच अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन एनटीए की तरफ से या कोई एक इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपरली अनाउंस नहीं की गई है। उन सभी डेट्स का, एग्जाम के सेशंस का, एग्जैक्टली मंथ का गवर्नमेंट को अब डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि लाखों बच्चों को इंतज़ार है कि वो डेट्स क्या रहेंगी। लेकिन क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे बच्चों के लगातार फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, पेरेंट्स के कॉल आते हैं, बच्चे और पेरेंट जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली डेट्स क्या रहेंगी, महीने क्या रहेंगे, वो अभी अनसर्टेन है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद ये डेट जल्द ही डिक्लेयर होने वाली है। इसी बीच अभी कई सारे ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, प्री इंजीनियरिंग कॉलेजेस के हिसाब से, इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से प्री इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम हैं, जिनमें से कई सारे कॉलेजेस ने अभी अपनी डेट्स को रिलीज किया है। लेकिन यहाँ ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि बच्चे यही पूछते हैं कि सर अभी फॉर्म भर दें या वेट करें थोड़ा सा और, हमें अभी ऐसा लग रहा है कि जेई मेन की डेट्स हम देख लें। बिल्कुल सही बात है, जितने भी कॉलेज के फॉर्म निकले हैं वो मैं आप सभी शेयर करूंगा, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को देखें कि जितने कॉलेजेस के फॉर्म निकले हैं इनकी अप्लाई करने की डेडलाइन थोड़ी काफ़ी आगे तक सरकार ने रखी है, और साथ साथ ये है कि अभी जो एग्जाम के कॉलेजेस के फॉर्म्स निकले हैं उनकी एग्जैक्टली डेट को लेकर के जेई मेन की डेट उनसे क्लैश होगी, या फिर जेई मेन की डेट्स क्या रहेगी उसके हिसाब से बच्चा किस कॉलेज के लिए अप्लाई करे, ये एक असमंजस, ये एक अनसर्टेनिटी, ये एक कह सकता हूँ कन्फ्यूजन बच्चों में है। तो मैं सारे बच्चों को बिल्कुल ये बात सही तरीके से कहना चाहूँगा कि अभी किसी भी प्राइवेट कॉलेज को लेकर के फॉर्म भरने की वो जल्दी ना करें, क्योंकि पेरेंट्स और बच्चे यही पूछ रहे हैं कि सर ये कॉलेज का फॉर्म निकल गया, ये कॉलेज का फॉर्म निकल गया, अभी भरें या वेट करें। देखिए, जितने कॉलेजेस हैं इनकी जब अप्लाई करने की डेडलाइन बहुत आगे तक सरकार ने रखी है, उन प्राइवेट कॉलेज ने भी रखी है, 31 मार्च तक मैक्सिमम कॉलेज की अप्लाई करने की डेडलाइन है, जिनके कुछ के फॉर्म अभी निकले हैं, कुछ के अभी कुछ दिनों में, 4-5 दिन में, 10-15 दिन में निकलने वाले हैं। लेकिन आप ये देखें, जब तक जेई की डेटों को लेकर के क्लैरिटी नहीं आती है, आप सभी कॉलेजेस के लिए अभी वेट करें, किसी की कोई जल्दबाजी फॉर्म भरने की ना करें, क्योंकि फॉर्म की डेट काफी आगे तक है। यह भी हमें देखना होगा कि जेई के जो डेट्स हमारी एग्जाम की रहती है उन प्राइवेट कॉलेज के एग्जाम की डेट से कहीं वो क्लैश तो नहीं हो रही है, या उसके ऐसे नजदीक है कि हम देने में कंफर्टेबल ही ना हो। ये सारी चीजें आपको देखनी होगी और उसी के हिसाब से आगे आपको डिसाइड करना होगा कि किन कॉलेज के लिए आपको एक्स्ट्रा अप्लाई करना चाहिए। लेकिन इसी बीच कुछ कॉलेज, जैसे बात कर लूं पहले वीआईटी की, वीआईटी ने एग्जाम की डेट 15-22 अप्रैल रखी है, एग्जाम की अप्लाई करने की डेडलाइन 31 मार्च तक रखी है। एसआरएम यूनिवर्सिटी जो चेन्नई की यूनिवर्सिटी है, कटक गलाथुर का मेन कैंपस है, इन्होंने भी अभी तीन फेज में अपनी एग्जाम की डेटों को अनाउंस कर दिया है। पहला फेज जो इन्होंने रखा है वो 21 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में रखा है, अप्लाई करने की डेडलाइन जो है 21 से 23 अप्रैल के बीच में रखा है, अप्लाई करने की डेडलाइन 16 अप्रैल तक रखी है। फेज टू का एसआरएम का एग्जाम जो है वो 10th और 11th जून को है, लास्ट डेट 5th जून है। फेज थ्री का एसआरएम का एग्जाम जो है वो 22nd से 23rd जुलाई है, और देखिए जुलाई तक एग्जाम एसआरएम करा रहा है, और उसके लिए अप्लाई करने की डेडलाइन 17th जुलाई है। यानी अगर हम देखें, ये तो एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं, इनके अप्लाई करने की डेडलाइन जो है जब इन्होंने बहुत आगे तक रखी है, तो हम सारे बच्चों को कहना चाहेंगे, इसी बीच कलिंगा है, वीआईटी है, वीआईटी तो बता दिया, कलिंगा है, यूपीएस है, मणिपाल है, पर्टिकुलरली अगर हम दूसरे कॉलेजेस की बात करें, कॉमेड के थ्रू मिलने वाले इतने अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, आरवी है, पैसेट है, रमैया है, बीएमएसआईटी है, बेंगलोर के कॉलेजेस हैं, इसके अलावा भी अगर बात करें यूपीएस है, कुछ और ठीक ठाक से नाम, LPU है, बहुत अच्छा कॉलेज इंडिया का, बिट्स पिलानी है, अभी ये इतने सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके लिए अप्लाई, शिव नादार है, ऐसे बैनेट यूनिवर्सिटी नोएडा है, ठीक ठाक से कॉलेजेस हैं, ये सारे कॉलेज भी अभी कुछ दिनों में अपने फॉर्म निकालने वाले हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इनकी अप्लाई करने के डेडलाइन को भी ये जेई मेन के एग्जाम की डेटों की अनसर्टेनिटी को देखते हुए लंबी रखेंगे, क्योंकि अभी बच्चे इस सोच में है कि पहले जेई की डेट क्लियर हो जाए, जेई की डेट क्लियर होगी तब वो किस कॉलेज के लिए उनको प्राइवेटली अप्लाई करना, ताकि डेट को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, एग्जाम देने जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, कनेक्टिविटी क्या रहेगी, ये क्लैरिटी अभी भी बच्चों के दिमाग में नहीं है। इसलिए सारे बच्चों को कहना चाहेंगे कि जो जो प्राइवेट कॉलेज अभी फॉर्म निकाल रहा है उसकी कोई भरने की जल्दी आप ना करें, बल्कि मैं तो कहता हूं कि आप आराम से दिसंबर के लास्ट तक भी आराम से वेट कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज की अप्लाई करने का, और तब तक जेई की सारी पोजीशन क्लियर हो जाएगी, और फिर उसके आराम से सोच करके आप फॉर्म भरिए। तो अभी जिनके फॉर्म आए हैं वो केवल वीआईटी और एसआरएम है, लेकिन आने वाले टाइम में कुछ अच्छे कॉलेज, मणिपाल इंडिया का सबसे अच्छा कॉलेज प्राइवेट में, बिट्स पिलानी है, कुछ और प्राइवेट कॉलेज में अमृता है, LPU है, यूपीएस देहरादून है, कॉमेट के थ्रू मिलने वाले कई अच्छे कॉलेजेस हैं, नरसिंह मुंजई है,
कुछ और अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, शिवनादार है, बेनेट यूनिवर्सिटी है, कई और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जेई के बेसिस पे मिलने वाले कॉलेज हैं, इन सारे कॉलेजेस के फॉर्म आने वाले टाइम में निकलेंगे। हम हर एक अपडेट आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे जैसे जैसे एग्जाम के फॉर्म निकलेंगे। कुछ कुछ छोटे छोटे वीडियो रील बेसिस पे, शॉर्ट बेसिस पे आप तक पहुंचा देंगे ताकि आपके दिमाग में ये अपडेट रहे कि इस कॉलेज का फॉर्म आ चुका है, मुझे अप्लाई करना है या नहीं करना है। आज इंडिया में 3000 से ऊपर इंजीनियरिंग कॉलेज है, हर साल 8 से 9 लाख इंजीनियर निकल रहे हैं। आप सभी को यह पता होना चाहिए कि इंडिया में किन कॉलेज का ब्रांचेस के हिसाब से भी स्कोप है, किन कॉलेज की एक्चुअल इंडिया में वर्थ है। हम केवल उन्हीं कॉलेजेस को यहां पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे, अपडेट देने की कोशिश करेंगे उन कॉलेज के एग्जाम्स का, फॉर्म निकलने का, जिन कॉलेज के इंडिया में वर्थ है। बाकी हम किसी कॉलेज का यहां पर आपको सजेशन भी नहीं देंगे और उनका नाम भी यहां पर आपको इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। चलिए गाइस, मिलते रहेंगे करियर अपडेट के साथ, कमेंट बॉक्स में लिखिए। लेकिन अभी प्राइवेट कॉलेज के अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा वेट करिए, घबराइए मत, बहुत आगे तक प्राइवेट कॉलेज के अप्लाई करने की डेडलाइन रहने वाली है। और अभी जिन कॉलेजेस ने अपनी डेट को अनाउंस किया है, ये जेईई की डेट को देखते हुए हो सकता है कि अपनी डेट को भी रिशफल करें या चेंज करें, वो टाइम बताएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहे। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।